सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और भाई आज बात करने वाले हैं फाइनली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में। एन के बारे में आप लोगों ने मेरी वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है, जिन्होंने नहीं देखी आप लोग जाके देख सकते हो। उस वीडियो में बहुत ज़्यादा भर के प्यार मिला है, 2 मिलियन वो वीडियो क्रॉस कर गई है, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, आज भाई बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो Z4 वेरिएंट के बारे में, क्योंकि भाई देखो महिंद्रा ने जो पुराना खेल खेला हुआ ना, जो कि अपनी कार को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करना, उसका एक हाइक बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है उनको। पहले भी भाई महिंद्रा ने अपनी देखो सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल्स दिखाए, टॉप मॉडल के सारे अच्छे अच्छे फीचर्स दिखाए, अच्छे अच्छे लुक दिखाए, लॉय व्हील दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन बेस मॉडल उन्होंने सब तक दिखाया ही नहीं। उन्होंने जितनी बुकिंग ली है ना, अपनी सारी की सारी भाई टॉप मॉडल दिखा के ली है, लेकिन जो एक कार का इसका प्राइस था ना 12.5 लाख रुपए में जो ये लॉन्च करी गई थी, ठीक है, तो भाई लोगों को तो टॉप मॉडल तो बहुत पसंद आया, कार भी बहुत पसंद आई लोगों को, तो भाई इतनी सारी बुकिंग हुए, 1.5 लाख बुकिंग चल रही है इतनी इतनी देर में। सो नो डाउट भाई महिंद्रा ने जो कहा वो कस्टमर्स को दिया, कार में कोई कमी नहीं है, एक नंबर कार आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बट जो प्राइस रेंज आया था ना 12.5 लाख 13 लाख का, तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट थे कि यार टॉप मॉडल में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, टॉप मॉडल इतने अच्छे अच्छे आपको देखने के मिल रहे हैं, तो क्या बेस मॉडल भी उतना ही अच्छा देखने के लिए आपको मिलेगा या नहीं, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे या नहीं, तो सारी सारी बात करने वाले हैं। ऐसे ही सारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जिन लोगों को बेस मॉडल लेना है ना, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर से मैं बता देता हूं कि ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो Z4 वाला मेरिट, स्कॉर्पियो एन का सॉरी, ठीक है। तो सारी सारी बात करते हैं भाई इसके बारे में, जैसे कि पता है 12.5 लाख से आती है और 23-24 लाख रुपए एक्स शोरूम जाता है, 4 एक्सप्लोर वगैरह 25 लाख रुपए तक का एक्स शोरूम वगैरह जाने वाला है। तो सारी सारी बात करने वाले भाई इसके ऊपर। फ्रंट में सब कुछ सेम है, वही महिंद्रा का लोगो, यहाँ 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा आता है, जो कि इसमें ऑफकोर्स नहीं मिलेगा आपको, और बाकी देखो प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह जो आते हैं ना वो नहीं मिलेंगे इसमें, दोनों हैलोजन मिलने वाला हाई बीम लो बीम की, और यहाँ पे मिल जाता है नीचे इंडिकेटर्स वगैरह, नीचे कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं आता है। आप चाहो तो आप मार्केट वगैरह रखवा सकते हो और एज एक्सेसरीज भी लगवा सकते हो, यहाँ पे ब्लैक कैडिंग वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है। और ये गाड़ी बड़ी ही मुश्किल से हमें मिली है, 3 दिन से ट्राई कर रहा था इसका, ठीक है, तो बाकी आने वाली थी मुझे पता चल गया था, लेकिन आज फाइनली मिल रहा, आ तो ये कल गई थी लेकिन रात हो गई थी तो मैंने शूट नहीं करा, तो आज फाइनली इसका शूट कर रहे हैं। बाकी भाई फ्रंट से लुक देख लो ऐसा मिलता है, ये जो कलर है ना ये ग्रीन वाला कलर है जो कि टॉप मॉडल में भी आता है, और कलर अच्छी बात यह है कि जो बेस मॉडल्स है ना इसमें सारे के सारे कलर्स अवेलेबल है, ऐसा नहीं है लिमिटेड कलर्स नहीं है कि आपको इस बेस मेरे सिर पर व्हाइट ब्लैक ये सारे कलर मिलेंगे, जितने भी कलर्स आते हैं ना सारे के सारे आपको इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं और खरीदने के लिए मिल रहे हैं ऑफकोर्स। बाकी भाई देखो अब साइड से अगर बात करें ना, साइड से अगर टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे टायर साइज आपको मिल जाता है 245x65R17 इंचेस का। अच्छी बात क्या है कि बेस मॉडल में भी ना आपका टायर साइज सेम है, बस आपको क्या करना है, या तो आप एक्सेसरीज में अलॉय व्हील लगवा लो, और या तो फिर आफ्टर मार्केट सिर्फ और सिर्फ अलॉय व्हील लगवाने, और कोई झंझट नहीं है कि आपको टायर भी चेंज करवाना है, एक्स्ट्रा खर्चा करना है, ऐसा नहीं। ये स्कॉर्पियो क्लासिक में भी हुआ है, जो कि इसमें जो बेस मॉडल है स्कॉर्पियो क्लासिक का, उसमें भी आपको जो टायर साइज है ना वो सेम मिल रहा है, सिर्फ अलॉय व्हील की जगह अलॉय व्हील, तो खैर उसमें भी मतलब वैसे ही है, अगर चाहो तो अलॉय व्हील लगवा लो, सिर्फ टायर चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मुझे महिंद्रा का जो कॉन्सेप्ट है ना ये वाला थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है, या टायर का खर्चा कम से कम एटलीस्ट बच रहा है। बाकी साइड से एक ओवरऑल अगर 0.5 में आपको लुक दिखाता हूं ना, कुछ एक तरीके का साइड का प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है, कोई भी देख के नहीं कहेगा साइड से कि ये बेस मॉडल है, क्यों, बस सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या है, अलॉय व्हील डलवा लो, कोई साइड से नहीं कहेगा, इंडिकेटर्स वगैरह सारे आपके वो आरवीएम से आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, रूफ रेल्स वगैरह इसमें सारी सारी ऐसी चीज आपको देखने को मिलेंगी, ब्लैक कलर के आपके मिल जाते हैं, बस यही है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो बिटिंग वगैरह है ये क्रोम वगैरह या फिर सिल्वर वगैरह में नहीं मिलती है, ये आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हो, जो कि स्कॉर्पियो का वो मतलब एक्सटिंग होता है ना उसका जो लुक है ना वो इसमें पता नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स पता नहीं चलेगा क्योंकि ब्लैक कलर में ये सारी चीज़ें, रूफ रेल्स वगैरह है आपको, फुटस्टेप वगैरह इसमें वगैरह देखो क्या मस्क लाइटिंग्स वगैरह देखने को मिलती है, प्रॉपर लगता है भाई कि यहाँ कोई गाड़ी है इस रेंज में, 13 लाख 14 लाख रुपए की रेंज में इस डायमेंशन वाली कार अगर मिल रही है, ये क्रेटा किया सेल्टॉस और ह्यूंडई वगैरह की सारी सारी कार्स और फोक्स वगैरह की जो कुछ आग वगैरह सॉरी स्कोडा वगैरह कुछ आग वगैरह आती है डायरेक्ट भाई उस रेंज में कंपेयर करते हैं ये वाली कार आपको, ठीक है ना, तो वो चीज़ देखो कि डायमेंशन वाइज उसको चाहिए ना एक बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवी और वो भी इतने कम बजट में, तो भाई डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर दिस। और ये वेरिएंट तो मैं सच कह रहा हूँ ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा धूम मचाने वाला है मार्केट में, और सबसे ज़्यादा बुकिंग जो भी होगी ना अब जो देख के करने वाला वो इसी वेरिएंट को करेगा, नो डाउट इसी वेरिएंट की बुकिंग सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाली है। पीछे एलईडी टेल लैम्प का सारा सेटअप मिल रहा है, अपना डिफ्यूज फॉर्म में सारी सारी एलईडी टेल लैम्प आपको यहाँ मिल जाती है, रिवर्स लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स वगैरह हैं, सारी सारी चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग है, नीचे 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल रहे हैं, नीचे अगर आप एग्जॉस्ट टेल पाइप देखो तो इस तरीके से स्पेयर व्हील आपका नीचे मिल जाता है, और पीछे आपको महिंद्रा का लोगो और कैमरा वगैरह देखा जाए तो कैमरा यार इसमें नहीं मिलता, ठीक है, वो जब आप आफ्टर मार्केट या फिर एज एक्सेसरीज भी लगवा सकते हो। और भाई ये चीज़ देखो, वाइपर वॉशर भी ऊपर मिल रहा है, डिफॉगर मिल रहा है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल रहा है, स्पॉइलर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सेकंड बेस मॉडल है ये,
सब कुछ मिल रहा है इसमें, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं कार बेच रहा हूँ यार बट मैं बेच रही ना, मैं दिखा रहा हूँ। टेल गेट भाई ओपन करोगे सेम वही जैसा कि टॉप मॉडल का टेल गेट मिलता है, वैसे आपको ये वाला भी टेल गेट मिलने वाला है। आपके यहाँ पे हाइड्रो स्ट्रट्स वगैरह मिल जाते हैं, ये व्हील कैप्स आते हैं इसमें। हाँ ये देखो कन्फर्मेशन मिल गया, ये व्हील कैप्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं इसमें। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आएंगे, व्हील कैप्स के साथ आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ओके ये सारी चीज़ें होंगे। फ्रंट फेसिंग सीट्स आपकी है 100%, आप इसको फोल्ड कर सकते हो। ओके बाकी भाई आपकी टेल लैंप वगैरह यहाँ पे सारी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती ही है। और इसको कर देते हैं क्लोज और चलते हैं भाई आगे और फिर बात करेंगे। बाकी भाई इस साइड से अगर बात करें फ्यूल टैंक वगैरह की, डीजल में है वैसे ही बताना मैं भूल जाऊँ तो, सॉरी डीजल में है। यहाँ पे डीजल मिलता है 57 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, ये सही है, ये बाहर से खुलता है। मैं पहले भी हर वीडियो में अपने कहता हूँ जिसमें ये चीज़ें बाहर से खुलती ना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है वो सारी सारी चीज़ें। और काफ़ी लोग भाई यहाँ पे देख रहे हैं कार को, क्यों? क्योंकि भाई ये वारंटी वही वाला है। बाकी भाई देखो कलर मैं बताना भूल गया, ग्रीन कलर मैंने बोल दिया था, डीप फॉरेस्ट कलर का नाम है। देखो यार नाम इतना अच्छा कर, देखो याद नहीं रहता, ठीक है। बाकी भाई डीप फॉरेस्ट कलर है, पीछे से साइड से हर तरह से कंप्लीट लुक आपको मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। और अब बात करते हैं सीधा सीधा ड्राइवर साइड की तरफ जाकर, ठीक है। ड्राइवर साइड देखते हैं ना वहाँ कैसा कैसा सिस्टम मिलता है इस प्राइस रेंज में आपको। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह भी कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। और बात करते हैं फाइनली अगर भाई डोर की बात करें तो कुछ ऐसा डोर मिलता है, सेम टॉप मॉडल वाला ही डोर मिलेगा बट उसमें कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो कि है ये चीज़ें सॉफ्ट टच में आती थी ना बट ये प्लास्टिक है, सिर्फ और सिर्फ टोन आपको वही मिलने वाला है बट ये चीज़ें आपकी प्लास्टिक में मिलने वाली है। यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट टच फिनिश वगैरह नहीं मिलेगी। लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, विंडो लॉक के बटन मिल जाते हैं, ORVM एडजस्टमेंट मिल जाता है, फोल्डिंग नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड नहीं करोगे, फोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ सकता है। ओके बाकी ये सारी चीज़ें होगी, ग्रैब हैंडल हो गया आपका, दो बॉटल होल्डर्स आपको मिल जाता है, स्पीकर्स वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे सीट के अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो भाई साहब हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है लंबर सपोर्ट, एडजस्ट कर सकते हो आप यहाँ से, इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। और क्या चाहिए यार, फैब्रिक में सीट्स मिलती हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मिलते हैं, आप चाहो तो इसमें एक्सेसरीज में लगा सकते हो इसमें सीट बेल्ट, सॉरी सीट कवर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। डैशबोर्ड की अब बात करते हैं, देखो जो कि भाई मेन जो चीज़ है ना वो है डैशबोर्ड की। भाई बेस मॉडल मिल रहा है तो डैशबोर्ड कैसा मिल रहा है भाई, डैशबोर्ड इज ऑलमोस्ट 99% सेम एज योर टॉप मॉडल भाई, सेम जैसा उसमें आता है ना वैसा इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो आप बैठते हैं कार के अंदर, उससे पहले मैं की दिखाता हूँ, की दिखाना भूल गया था की आपको कैसी मिलती है। की भाई सेम जैसी महिंद्रा की टिपिकल की है ना भाई, वही की मिलने वाली है। दोनों आपकी सेम की मिलती है, लॉक अनलॉक के साथ फ्लिप की आपको देखने के लिए मिल जाती है कुछ इस तरीके से। तो आप बैठते हैं कार के अंदर और बात करते हैं आगे। तो भाई बैठ चुके हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो NK Z4 वेरिएंट के अंदर। सबसे पहले भाई आपके सामने स्टेयरिंग व्हील, सारे के सारे सेम कंट्रोल मिलते हैं जो कि टॉप मॉडल वगैरह हम देखने के लिए मिलेंगे। मीडिया रिलेटेड सारे कंट्रोल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात भाई क्रूज कंट्रोल भी सेकेंड वेरियंट में आपको देखने के लिए मिलता है, MID कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो। और बाकी भाई सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह हो गई, आपके मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स हो गए यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, वाइपर्स वगैरह के सारे कंट्रोल्स, और यहाँ पे मिल जाते हैं आपके हेडलैम्प्स वगैरह के सारे कंट्रोल्स वगैरह जितने देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्रोल्स है ना वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है, हेडलाइट लेवलर मिल जाता है नीचे आपका, बूट ओपन हुड ओपन करने के लिए वो मिल जाता है, AC वेंट्स वगैरह है। ये सारा जो पार्ट है ना ये आपको सारा प्लास्टिक में मिलता है बट इसकी जो फिनिश है वो ऐसा लगेगी जैसे जो टॉप मॉडल में आती है ना सॉफ्ट टच में वैसा लगेगा, बट ये सारा का सारा जितना पार्ट है ये सारा का सारा आपका नॉर्मल प्लास्टिक के साथ मिलता है। अब बारी है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करने की, तो भाई एक बार इसे ऑन करते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनेटेड रिंग मिल जाती है आपकी और कुछ इस तरीके से भाई आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है। जो ये डिस्प्ले है ना ये छोटी है टॉप मॉडल्स वाले में से, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि ये चीज़ छोटी है, बाकी MID वगैरह के फीचर्स वगैरह जो भी है आप अपना यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह सारे फीचर्स वगैरह जितने भी हैं ना MID के रिलेटेड सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। और यहाँ पे अगर बात करें जिप जैप जो मोड आता है ना ड्राइव मोड, ये देखो जिप जैप जूम वाले जो मोड है ना वो आपको इसमें भी देखने के लिए मिलते हैं। ये ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट है, इसके बारे में बात करेंगे फिलहाल। बाकी MID के जितने फीचर्स हैं वगैरह वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है आपका RPM मीटर, यहाँ पे मिल जाता है स्पीडोमीटर, बारे से बाकी साथ जितने भी इंडिकेशन वगैरह ना वो यहाँ पे मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल है, ऊपर अगर बात करें वैनिटी में मिरर या फिर टिकट होल्डर कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे मिल जाता है आपका मैनुअल डे नाइट रेयर व्यू मिरर, यहाँ पे मिल जाता है सनग्लासेस होल्डर। दूसरे वैनिटी अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको कोई भी मिरर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। लाइट्स की बात करें रीडिंग लैंप्स, तो LED में आपको सारी रीडिंग लैंप्स वगैरह देखने के लिए मिलती है। ऊपर आपको फोन थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह मिल जाती है कॉइन स्लिप वगैरह रखने के लिए। और ये है इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आता है 4 स्पीकर्स के साथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह सब आपको इसमें देखने के लिए मिलता है।
जो कि भाई जो सेकंड बेस मॉडल है उसके हिसाब से बहुत सही सही फीचर्स मिलने वाले हैं आगे चल के। ये जो मॉडल है ना टॉप सेलिंग में ज़रूर आएगा, गारंटेड कह रहा हूँ। बाकी फ़ोन वगैरह एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले वगैरह सारी सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिल जाती है। फोर स्पीकर के साथ आता है ये, रेडियो FM AM वगैरह सारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑक्स वगैरह कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये सारे शॉर्टकट बटन्स वगैरह हैं जो कि आपके इंफोटेनमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हो। म्यूट वगैरह करना, वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे चेंज वगैरह करना, जो भी चीज़ें हैं ट्यून वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। AC वैंड सिल्वर फिनिश वगैरह सब कुछ सेम मिलता है टॉप वेरियंट जैसा। और यहाँ पे AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि मैनुअल AC आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे AC के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, हजार्ड लैंप का, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह सारी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। वायरलेस चार्जर जैसा पता आपको L वाले वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलेगा। आपका एयरबैग्स ऑन ऑफ वगैरह वो यहाँ पे मिल जाता है, ऑफ भी कर सकते हो पैसेंजर साइड वाला, आप अपनी सेटिंग में जाकर यहाँ पे, जो कि मैं और वीडियोस बना चुका हूँ। यहाँ पे एक टोरी का पावर सॉकेट और एक आउटलेट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। ये है इसका ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर 6-speed का, और इसमें मैनुअल भी आता है। मैनुअल की वीडियो भी आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगी, या फिर इससे पहले देखने को मिल गई होगी, नहीं तो इसके बाद देखने को मिलेगी। यहाँ पे मिल जाता है इसका हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट भी मिल जाता है इसमें। आर्म रेस्ट की अगर स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है इसमें। की वगैरह रख नहीं सकते क्योंकि इसकी तो की आपको वैसे भी लटकती रहेगी वहाँ पे। दो ग्लास होल्डर्स हैं, ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है। ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सारा आपका जितना भी है ना ये प्लास्टिक का पार्ट है। ग्लव बॉक्स में अच्छा खासा स्पेस है। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको इसमें मिल जाता है भाई इस बजट में भी ना, कूल्ड ग्लव बॉक्स और इस रेंज में। और जो प्राइसिंग वगैरह की अगर बात करें तो 16 लाख रुपया इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलता है डीजल ATZ4 वेरिएंट का, ठीक है। और जो पेट्रोल वाला आएगा उसकी जो पेट्रोल की वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कल देखने के लिए मिल जाएगी Z4 वाले वेरिएंट की, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। बाकी आगे का जितना भी सीन था सब कुछ कवर हो गया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल जो कि फिक्स्ड मिलेगा। अब चलते हैं इसके रियर सीट में, वहाँ कैसा क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो बता देता हूँ। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था जो कि है इसके फुटस्टेप जो है ना वो कार के साथ ही आते हैं। टॉप मॉडल में आपका ब्लैक कलर के आते हैं बट इसमें आपका सिल्वर एंड ब्लैक थोड़ा सा फिनिश देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये मुझे कंफर्म करना था तो मैंने कर दिया। पीछे वाले डोर की अगर बात करें तो डोर आपको सेम जैसे टॉप मॉडल्स वगैरह मिलता है वैसा ही डोर देखने के लिए मिलेगा। पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, स्पीकर्स हैं, बॉटल होल्डर्स हैं, यहाँ पे आपको ग्लास वगैरह मिल जाता है, पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें ना स्पेस वगैरह की तो बैठ के बताता हूँ, उससे पहले सीट्स वगैरह दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं दोनों, बीच में आपका आर्म रेस्ट भी मिल जाता है जो पैक है यार, इसलिए थोड़ा सा खोलने में दिक्कत है। बाकी आर्म रेस्ट मिल जाता है, 60-40 का स्पीड फंक्शन भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है पीछे जाने के लिए, यहाँ से आप इसे होल्ड करके जा सकते हो। पीछे का स्पेस नो डाउट अमेजिंग पहले की तरीके से। और पीछे यहाँ पे AC वेंट्स, पीछे भी AC वेंट्स मिल रहे हैं भाई, दो AC वेंट्स मिलते हैं जिनको ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्लोअर की स्पीड जो है ना वो भी कम ज़्यादा की जा सकती है, आगे की अगर बंद है तब भी आप पीछे की इसको ऑन करके यूज़ कर सकते हो। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। पीछे से लुक दिखा देता हूँ, क्या मस्त लुक भाई पीछे से देखने के लिए मिल रहा है आपकी XUV Z4 वेरिएंट का। प्राइसिंग वगैरह मैंने इसमें आपको बता दी है। और बाकी पीछे से ऐसा लुक मिलता है, पीछे की सीटिंग वगैरह की बात करें तो कुछ ऐसी आपके पीछे सीटिंग ओवरऑल देखने के लिए मिलने वाली है। क्वार्टर ग्लास वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है। ग्रैब हैंडल पीछे भी दिया हुआ है सबके लिए, तीनों के लिए ग्रैब हैंडल है, बस खाली ड्राइवर साइड छोड़ के इस तरफ, ठीक है। ये सारी सारी बात हो गई भाई आपके पीछे से, आगे से आप बात करते हैं इंजन को लेकर कि इंजन आपको इसमें कैसा क्या फीचर देखने के लिए मिलता है। तो भाई अब चलते हैं देखो इंजन की तरफ, ठीक है, कि इंजन वगैरह क्या कैसा क्या मिलता है वो बताते हैं भाई। ये है कुछ ऐसा इंजन, और अगर इंजन के ऊपर बोनट की बात करें अच्छा खासा इंसुलेशन मिल जाता है। और भाई जो बोनट इसका हैवी है ना एक हाथ से तो भाई इम्पॉसिबल ही है थोड़ा सा इसको उठाना। इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स ज़रूर होने चाहिए थे। और अगर बात करें इसके इंजन की, इंजन पावर फिगर्स की, तो 2.2 लीटर का MHOG डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 173 BHP और 400 Nm ऑफ टॉर्क ऑटोमेटिक में। और अगर मैनुअल में जाओगे ना डीजल वाली में तो वो आपका पावर प्रोड्यूस करेगा ऑलमोस्ट 300-350 Nm ऑफ टॉर्क, ठीक है। ये हो गया, बाकी भाई प्लेसमेंट वगैरह देख लो कुछ इस तरीके के इंजन की, सारा भाई भरपूर डीजल में तो वैसे ही भरा इंजन सारा देखने के लिए मिलता है। कुछ यहाँ पे इंजन वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, बैटरी कंपार्टमेंट है, साउंड एंडिंग मटेरियल्स वगैरह का अच्छा खासा यूज हुआ हुआ है। इंजन अंडरगार्ड प्रोटेक्शन भी थोड़ी नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। तो Z4 वेरिएंट का जितना भी था, जितने भी स्पेक्स वगैरह थे, प्राइस वगैरह थे, फीचर्स वगैरह थे, सारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। अब बाइक क्लोज करते हैं इसको और बात करेंगे बाद में आगे। तो भाई बोनट हो चुका है क्लोज, ठीक है। गाड़ी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, प्राइस थे, पावर फिगर थे, सारी सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। कुछ अगर छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी भाई वीडियो कर लेते हैं यहीं पर एंड, और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको ईजिली मिलती रहे। और यार वीडियो को ना एक लाइक करके जरूर जाना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और
अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो और अगर आप लोग थोड़ा सा ब्लॉग्स वगैरह इंटरेस्टेड हो फनी एंटरटेनमेंट टाइप, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे आप आने वाली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।